भाई यार क्या सुन, भाई भाई लगा रखा है ये, लेके क्यों नहीं गया मुझे घुमाने? मैं लेके जाने वाला था, मम्मी ने रोक लिया मेरी। यार तू समझने की कोशिश तो कर यार, मैं तुझसे झूठ बोलूंगा क्या यार? ले चिप्स खा ले, बस इतने से खा ले यार। भाई यार ले दो खा ले। दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे जानवरों से मिलवाने जा रहे हैं जो आपको काफी पसंद आने वाले हैं, वो इसलिए क्योंकि इनकी हरकतें ही कुछ इतनी फनी हैं। तो ये वीडियो भी हर बार की तरह काफी फनी और मजेदार होने जा रही है, तो इसे आप आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हंसना सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि कुत्ते हर बार सभी से पंगे लेते हैं और उन्हें ऐसा करने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं पड़ती, बस इन्हें उंगली करने से मतलब होता है। जैसे कि यहाँ पर ये कुत्ता भाई इस हॉर्स को परेशान कर रहा था जबकि घोड़ा उसे लात मार कर भगाने की कोशिश कर रहा है, पर फिर भी ये अपनी उंगली करना बंद नहीं कर रहा, जिसके बाद कुत्ता भाई को आगे एक लात मिल ही गई, जिसके बाद लगा कि ये कुत्ता अब यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन नहीं, इस बार भी ये वहाँ से नहीं भागा, उल्टा ये घोड़े को और परेशान करने लग गया। अभी अपनी पहचान हो गई ना भाई? अरे अरे तुझे जाना हुआ कितना टाइम हुआ है? अभी 7 मिनट तो हो गए ना भाई। अरे भाई प्लीज तू वापस नहीं भाई, नहीं भाई ये स्कीम तेरे लिए है ही नहीं। तुझे पैसे लेके जा, मुझे भरोसा है भाई, मैं आपके लिए लाता हूँ ना भाई। आपने कई मूवीज में या फिर कहो जू में किसी गुरिल्ला को अपनी छाती पीटते हुए तो जरूर देखा ही होगा, जो अपने फीमेल पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा करते हैं। मगर एक सेकंड, बड़े गुरिल्ला का तो ठीक है, मगर यहाँ पे इसे छोटे उस्ताद क्या कर रहे हैं? तो देखा आपने, ये छोटा उस्ताद तो बचपन से ही अपनी छाती पीटने की ट्रेनिंग ले रहा है, जिसके दौरान ये बेचारा वहीं पर लुढ़क गया। खैर पता नहीं ये इतना छोटा होने के बावजूद किसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि भाई को शादी की जरा ज्यादा ही जल्दी है। अरे मम्मी रे, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। कुत्ते को आपने इंसानों के साथ पंगे लेते हुए तो कई बार देखा होगा, या फिर कहो उंगली करते हुए कई बार देखा ही होगा, जिसमें कुछ कुत्ते लोगों के डायरेक्ट पीछे ही लग जाते हैं। मगर इन्हें सब का बदला बस एक आदमी ने ले लिया, जो कि आप इस सीसीटीवी में देख लीजिए। यहाँ पर यह कुत्ता रास्ते से आगे जा रहा था कि तभी पीछे से एक आदमी ने कुत्ते को उंगली करी और चुपचाप वहाँ से आगे निकल गया, जिसके बाद कुत्ता अभी भी यही सोच रहा है कि यार आखिर मुझे उंगली करी किसने। एक्सक्यूज मी यंग मैन, कहाँ है आप? मजाक उड़ाता है, बोलो तेरी मम्मी को। खैर बात कुछ भी हो, मगर ये नजारा देखने में तो काफी फनी है, क्योंकि ये कुत्ता भाई कई देर तक इस आदमी को ढूंढता रहा जिसने उसे पीछे से टोका था, जबकि वो आदमी तो वहाँ से 9:00-11:00 ही हो गया। ए, तेरा पजामा फटा है, किधर फटा ले? टोपी पहनाया साले ने, अरे चूना लगा। प्रैंक हो गया आपके साथ। समुद्र में अनगिनत जीव मौजूद है, जिनमें से हमने कई जीवों को अभी तक देखा भी नहीं है, और यही देखने के लिए जब स्कूबा डाइवर समुद्र के गहराई में जाते हैं तब उन्हें एक ऑक्टोपस प्लास्टिक के ग्लास में बैठा हुआ दिखाई देता है। इस ऑक्टोपस ने बाकी शिकारी जीवों से अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया, मगर प्लास्टिक ग्लास ऑक्टोपस के लिए हानिकारक था, जिस कारण इन डाइवर्स ने ऑक्टोपस को अलग अलग तरह के चीजें दिखाई ताकि ये ऑक्टोपस अपने रहने लायक शेल को चुन सके। खैर आखिर में ऑक्टोपस को उसका पसंदीदा शेल मिल ही गया और वो उसे लेकर वहाँ से भाग गया, और जाते जाते भाई ने इन डाइवर्स को थैंक्स भी कहा। सच में यार डाइवर्स के इस काम का कोई जवाब नहीं, जिनके लिए एक लाइक तो जरूर बनता ही है। भैया कुछ और दिखाओ यार, मजा नहीं आया। अच्छी क्वालिटी में थोड़ा कोई और कलर दिखाओ ना यार। नहीं ये सब नहीं चाहिए मुझे। भैया कोई अच्छा दिखाओ ना, दुकान में आपकी यही है क्या? नहीं यार इसमें मजा नहीं आया भैया। ये लगी ना बढ़िया चीज, हाँ ये मस्त लगी, धन्यवाद। यहाँ पर ये बंदर एक बेबी मंकी को उठाकर उसे नीचे फेंक देती है, जिस वजह से वहाँ पर उसकी मॉम आ गई और उसने इसके बच्चे पर उस बात का गुस्सा निकाला और दोनों में घमासान बारा-बारी शुरू हो गई। बेबी मंकी भी कह रहे होंगे इनके लफड़े में हमारी धुलाई हो रही है।
समझ में नहीं आता इधर कचरा नहीं डालने का। अबे ये कहाँ से आ गया? अरे कुत्ते, इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में कोई ऐसा जानवर हो जो हर वक्त सिर्फ मस्ती करता रहे, तब आप कुत्तों को अपने घरों में पाल सकते हैं, क्योंकि ये बड़े ही बददार किस्म के जानवर होते हैं। मगर यदि आपको कुत्तों से डर लगता है, तब आप बिल्लियों के बारे में भी सोच सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यार बिल्लियां तो हर वक्त सोती ही रहती है, जो कि सही तो है मगर पूरी तरह से नहीं। और वो आप यहां इस क्लिप में देखें, जिसमें ये बिल्ली ग्लास में पानी पी रही है और ये करने के दौरान बार अपने ओनर के पास देखते ही जा रही है। क्योंकि उसका ओनर उसकी वीडियो बना रहा है, जो शायद बिल्लियों को पसंद नहीं आ रहा। अरे भाई मत रे फोटो बीटो, तो सुनता नहीं है, है? अरे बस कर भाई, वो पागल कर दिया पीछा जा। दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई, तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।